Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. छत्तीस बिरादरी सरकार से दुखी है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो हमारा दलित वर्ग हो, सब इस सरकार से दुखी है। सरकार से सुखी कोई नहीं है। 3600 करोड़ रुपया या तो उनकी जेब में गया है या फिर कहीं धरातल पे तो लगा हुआ, हमको दिखता नहीं 3600 करोड़ रुपया। ये अभय चौटाले का जो काम करने का तरीका है, दबंग तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है। तो अब ना तो आज तक हमारा बीजेपी ने भला करे, ना कांग्रेस ने करे। चौटाले ने सारे हरियाणा को एक नज़र से देखा। अगर अब भी टिकटें सही आवंटन नहीं है तो फिर बीजेपी आ जाएगी। दोस्तों राम राम, नमस्कार। हरियाणा तक देख रहे हैं आप और सोनिया मेरा नाम है। हम अपनी चुनावी यात्रा जारी रखते आज हम कुरुक्षेत्र में पहुंचे हैं। यहाँ के बाशिंदों से जाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ इस सरकार में कितना कामकाज हुआ है, यहाँ के लोगों का कहाँ और किस ओर रुझान है। ताऊ राम राम। राम राम। ताऊ जी, इस सरकार में कोई कामकाज हुए आपका? हमारा काम यो आया, औरतें हमने सभा सुध अपनाया। हाँ। और सभा सुध हमारा 50 साल का बिजली के दफ्तर था काम, और मीण पचा दिया उन्होंने, मीण पचा दिया। फिर हम उस पर सभा सुधा पर गए। हाँ। माजी मारा 50 साल का पूरा बिजली पावर हाउस और 10 किले में जमीन के दे रखे, मारा उठा के बेच दिया। क्योंकि मेरे से वोट दे ही था ना, तो बोले मेरे से वोट दे ही था ना। हम ले गण जी कितने जीते तो न्यू 800 थे, 1150 वोट मारे काम में तैयारी मारी काट दे तो जीत कद क्या, 1150 मारी काट दे और 800 तो जीत गया, तो फिर मारी वोट मैंने किस तरह जीत गया। कौन सा गांव था वो आपका? जवाब दिया हमारे 7 साल हो गए, हमारी सड़क टूटी पड़ी थी, ये भी उसका मुहूर्त ये आया, 7 साल लगे ना बनने नहीं दी। और इसके ऊपर के गुआ हमारे पते और इन पते नहीं भी ना पूछ ले। हाँ भाई, आप बताओ इस सरकार के कामकाज में आप खुश हैं? सबसे पहले तो मैं हरियाणा तक का स्वागत करता हूँ, जो आप लोग जनता की आवाज़ उठाने के लिए हमारे बीच में पहुँचे हैं। देखिए, इस सरकार से मैं तो मानता नहीं पूरे हरियाणा में का कोई भी वर्ग सुखी होगा, हर वर्ग इस सरकार से दुखी है। 36 बिरादरी इस सरकार से दुखी है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो हमारा दलित वर्ग हो, सब इस सरकार से दुखी है। इस सरकार से सुखी कोई नहीं है। तो इधर कुरुक्षेत्र में ये हम तो ये माने कि ये तो धर्म नगरी कुरुक्षेत्र, टूरिज्म के हिसाब से भी मैं कहूँ कि तो बहुत सारे लोग आते हैं। हाँ, यहाँ देश विदेश से बहुत लोग टूरिज्म के हिसाब से आते हैं यहाँ पर। जैसे धर्म नगरी कुरुक्षेत्र है और जैसे हिंदुत्व के नाम पे भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति करती आई है, लेकिन इन्होंने तो आपस में हिंदुओं को ही लड़वा दिया। यहाँ पे इम्पैक्ट हुआ है इस हिंदुत्व वाली राजनीति का कुरुक्षेत्र में? यहाँ पर कोई इम्पैक्ट नहीं है, नहीं। यहाँ ये सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है। यहाँ से जो हमारे राज्य मंत्री सुधा जी हैं भारी मार्जिन से वो हारेंगे, क्योंकि यहाँ पर कहते तो वो हैं, वो 3600 करोड़ रुपया मैंने कुरुक्षेत्र में लगा दिया, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूँ, 3600 करोड़ में तो एक नवा शहर हम बसा सकते हैं, तो 3600 करोड़ रुपया या तो उनकी जेब में गया है या फिर कहीं धरातल पे तो लगा हुआ, हमको दिखता नहीं 3600 करोड़ रुपया। तो भाई, लोकसभा में तो आपने यहाँ से जितवा दिए नवीन जिंदल साहब बीजेपी के। देखिए, नवीन जिंदल का एक अपना इम्पैक्ट था उसमें, कोई भारतीय जनता पार्टी का। नवीन जिंदल जी यहाँ से कांग्रेस के टिकट पे पहले 2 बार सांसद रह चुके हैं, उनका अपना एक वजूद है, अपना एक वर्कर है। यहाँ के लोगों ने उसको भारतीय जनता पार्टी के नज़रिए से नहीं देखा, जैसे उनके काम करने का तरीका जो मान ले कांग्रेस पार्टी में रहा है, लोगों की सेवा करना, फ्री में आँखों के कैंप लगवाना, कैंसर पीड़ितों के इलाज के लिए देना, गरीब लोगों की मदद करना, उनका एक अपना अलग से काम करने का तरीका, वो मतलब पार्टी विशेष से कोई महत्व नहीं रखता। जनता को वो पसंद आए, और कांग्रेस का यहाँ उम्मीदवार भी नहीं था, उसको शायद कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की यह भी कमी रही है। अगर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर अपना उम्मीदवार उतारती, भारतीय जो आम आदमी पार्टी के साथ शायद गठबंधन में सुशील गुप्ता ना होते, तो 100% यहाँ से कांग्रेस का उम्मीदवार यहाँ से भारी मौत से जीतता। ताऊ जी, अभय चौटाला 2004 में आए थे यहाँ चुनाव लड़ने, 24 में फिर आए, वो फिर तो हार गए। देखिए, अभय चौटाले का जो काम करने का तरीका है, दबंग तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है, पर उनकी पारिवारिक फूट ना वो ख़त्म कर दी तो क्या कर सकते हैं।
हम तो चौटाले के फैन हैं, आज भी हैं। आप है चौटाला के फैन हैं? बिल्कुल है जी। हाँ। तो क्या कर सकते हैं इसमें, पारिवारिक फूट में इसका नुकसान हो गया। नहीं तो अब ना तो आज तक हमारा बीजेपी ने भला करा, ना कांग्रेस ने करा। चौटाला ने सारे हरियाणा को एक नज़र से देखा, सारे बच्चे एवरेज में सब डिस्ट्रिक्ट के लगे, सारे बहुत बड़ी होया, बड़े अच्छे अच्छे काम करे। बाकी अब तो देखो टाइम की बात है, क्या कर सकते। अब किस और रुझान माने यहाँ के लोगों का? पर लोग तो देखो कांग्रेस पर गिर रहे, भी डोरे सारे कांग्रेस का नहीं है अभी, और क्या कर सका। हिंदुत्व वाली राजनीति का है क्योंकि कुरुक्षेत्र है। यहाँ कोई ऐसी बात नहीं, यहाँ भाईचारा है पूरा, सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर भाईचारा बहुत कायम है। यहाँ जाट रक्षण में भी कोई रोला नहीं होया, किसान आंदोलन में कोई रोला नहीं होया, यहाँ सब भाईचारा आपस में निकल। तो कांग्रेस का माने ताऊ जी अब की बार यहाँ दबदबा कांग्रेस का, बीजेपी से क्यों नाराज हो गए? बीजेपी ने काम नहीं करे, काम नहीं करे, सारा देश तो वहाँ दिल्ली उठा कर रखा। दिल्ली का कांग्रेस भारी बहुमत से जीत रही है क्योंकि इन्होंने झूठ बोलने का काम किया है। इस सरकार में सैनी बदलते ही कह दिया MSP दे दी, कौन सी फसल है दी, किस तरह दे दी MSP। ये बहुत बुरी तरह से हारेंगे, दीपेंद्र हुड्डा यहाँ मुख्यमंत्री बनने उतारे है। अच्छा तब एक लड़ाई और ऐसी छिड़ रही है कि दीपेंद्र हुड्डा के जो समर्थक है, भूपेंद्र हुड्डा के समर्थक हैं, वो उनके पक्ष को कह रहे हैं कि ये CM बनेंगे। शैलजा के समर्थक कह रहे हैं कि जी शैलजा जी समर्थक बनेंगी। सुरजेवाला जी के समर्थक कह रहे हैं वो CM बनेंगे। ये तो बड़ी खींचतान चल रही है ना ऐसा जी, एक तरफा लहर है भूपेंद्र हुड्डा की, भूपेंद्र हुड्डा की एक तरफा लहर है। इधर कुरुक्षेत्र में भी बोलते कि वो तो रोहतक सोनीपत में ही रह रही, ले रही। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ भूपेंद्र हुड्डा का सारा कुछ, भूपेंद्र हुड्डा का। अगर कांग्रेस में आपसी फूट न होना, कांग्रेस को कभी भी नहीं हारती यहाँ से। हाँ, इनकी आपसी फूट ही मारा। अगर अब भी टिकट सही आवंटन नहीं है तो फिर बीजेपी आ जाएगी। बीजेपी इतनी कमजोर नहीं है, अगर सही टिकट दिए तो ठीक है, कांग्रेस ने अगर सही टिकट नहीं दिए तो फिर बीजेपी आ जाएगी। 13 महीने बैठे रहे के प्रधानमंत्री ने सुभाषण देख उठा दिया, करे पूरा करा तो नहीं पूरा। फिर जब ये नहीं होगा था भाई 15-15 लाख रुपये देऊंगा हर खाते में, दे दिए वहाँ काला धन लिया था बाहर से लिया हो, कोई सा एक तो बता दे भाई यू काम सही करे ना, बस झूठ बोलनी बकाने लोग अपना वोट ले लेनी। बीजेपी पार्टी से सारे दुखी हैं जी, इस सरकार से सारे दुखी है, कोई भी सुखी नहीं है, इसलिए कांग्रेस को वोट करेंगे, कांग्रेस ही वोट करेंगे, खुल के बोल रहे हैं आप। थोड़ा और खुल के बता दे बीजेपी से, हम ये कहे 2014 में मोदी फैक्टर बड़ा काम किया हरियाणा में या? किया? कुछ भी नहीं किया, झूठ बोली, झूठे वादे करे, सब कुछ झूठा सब, इसलिए कांग्रेस को वोट किया जाएगा सारा, और कांग्रेस को आने वाले समय में सारी जीत पक्की है। अच्छा भाई ये बताओ, जैसे नायब सैनी CM बन गए, इलाका तो आपका ही हुआ, तो उनके CM बनने से कोई असर कोई प्रभाव? हम कोई खुशी नहीं उससे। अच्छा क्यों नहीं, बेनिफिट नहीं होया उससे, झूठे वादे करे, सारी सर्विस है जितने नौकरी लगाए गए सारे, वो कोई ज्वाइन किया आज तक सारा, सारी उम्र 10 साल में बच्चे की उम्र लिगड़ गई नौकरी से, कुछ नहीं नौकरी लाए नहीं, कुछ नहीं करे ना, सारे बच्चे की नौकरी उम्र लिगड़ ली, सब बच्चे बाहर बाज गए और उड़ा के भूखे मरे। मान ले किसी भाई किला बताओ, 1 किले में 2 किले में क्या फसल होगी, क्या कमाएगा वो? वही किले जब आपके बच्चे विदेश जा रहे होते तो आप बेच देते हैं? बेच दिए और बाहर भग गए बच्चे, और क्या उठाते, कम से कम रोजगार तो चल रहा है रोटी खाने का, उठाते पैसे बना उरा आ जा, उरा जो बाकी है वहाँ तो रोटी पानी खा रहे ठीक है। 1 किले में तो कुछ भी नहीं होता, 1 किले में बताओ जो क्या हो आप, 20-50 हज़ार की फसल होगी, 10-20 हज़ार खर्चा भी आ जाएगा उस पर, क्या बचेगा भाई।